नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपके सामने है आपकी अपनी सरिता सबरवाल और हमेशा की तरह मेरे साथ मेहमान होंगे डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बड़े ज्ञान की बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब तक के सभी कार्यक्रम आपने पसंद किए हैं। अगर आज पहली दफा वॉच कर रहे हैं तो बता दूं कि सोलफुल मंडे वीकली प्रोग्राम है। एवरी मंडे हम ये प्रोग्राम आपकी सेवा में लेकर आते हैं। तो पुरानी प्रोग्राम्स भी आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। अगर यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इट्स कॉल्ड सरिता सबरवाल एंड वहां आप सोलफुल मंडे एंड हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम्स देख पाएंगे और बहुत सी पुरानी सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज भी। तो आइए अब समय नष्ट ना करते हुए आज के विषय पर हम बातचीत करते हैं अपने मेहमान डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? यार जी धन्यवाद। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दया। जी, यार सबकी तो सबका तानाजी जी, बिल्कुल जैसा कि हमने पिछले जो प्रोग्राम किए थे उनमें थोड़ा सा टच किया था कि सबको, इंसान को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, तो गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें, ये एंगर मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, बहुत छोटा सा विषय है एक्चुअली देखा जाए तो एंगर, पर एंगर कितना बड़ा हो जाता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं अगर इंसान नाप तोल कर ना बोले और गुस्से में आपा खो बैठे तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आप बताइए कि इस गुस्से पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो थोड़ा सा गुस्से के विषय में हम चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा महत्व का विषय है। जी जी आध्यात्मिक जीवन में भी और हमारे रोज के दैनिक जीवन में भी क्रोध जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा शत्रु है। मनु महाराज ने क्रोध को एक अक्रोध यानी क्रोध न करने को धर्म का लक्षण बोला है। क्रोध ये अधर्म है और क्रोध न करना धर्म है, ऐसा बोला है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो, ये जो श्लोक है उनका अंत में बोला धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो जो क्रोधी होता है व्यक्ति वो अधार्मिक होता है और जो क्रोध रहित है वो धार्मिक होता है। ये अक्रोध जो है धर्म का लक्षण है, यानी इतना इतना उसको विशेष रूप से धर्म का लक्षण माना है। तो जो जी व्यक्ति क्रोधी है समझ लो कि उसके हाथ से कोई धर्म का कार्य होगा नहीं, वो व्यक्ति धार्मिक बन नहीं सकता, इतना इतनी उसकी निंदा की हुई है। और ठीक भर्तृहरि ने कहा है कि अक्रोध तपसः, जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं है वो व्यक्ति तपस्वी है। क्रोध को ओके नष्ट करना, क्रोध को कम करना ये मनुष्य के लिए बड़ा भूषण है, और यदि आप नहीं कम कर सकते, आप में क्रोध है, तो ये मनुष्य स्वभाव के लिए दूषण है। ठीक अक्रोध भूषण है और क्रोध दूषण है, इन्हें तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है वो। और जी गीता में तो उसको कहा है कि ये तो महाशनो महापाप्मा विद्धि विद्धेनम वैरिनम। तो ये क्रोध जो है ये वैरी है, मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। और कवियों ने कहा है कि जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति में क्रोध है उस व्यक्ति के लिए किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सैकड़ों व्यक्ति वो शत्रु सैकड़ों शत्रुओं को खुद पैदा कर लेगा अकेला ही। जिसमें जी और षड विकार बिल्कुल तो हमारे आध्यात्म मार्ग में और दैनिक जीवन में हमारे बाधक है, हमारे विनाशकारक है। उसमें काम क्रोध क्रोध उसमें भी आता है। तो काम क्रोध लोभ मोह, इन्हें क्रोध एक इतनी भयंकर चीज है कि वो मानव मात्र का जैसे मनो बहुत बड़ा शत्रु है वो। और क्रोध के साथ में व्यक्ति ना खुद आगे बढ़ता है ना औरों को आगे बढ़ने देता है। और क्रोध जो है कई बार मैं क्रोध करूं कहने से क्रोध नहीं आता है। आर्टिफिशियली क्रोध करना कभी कभी संभव है बट ऐसे होता नहीं है जनरली। पर क्रोध आने के कारण क्या होते हैं, क्यों क्रोध आता है का फिर? मैं बताऊं कि अभी वो बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है क्रोधी, बाय बर्थ क्रोध होते हैं। उसको कहते हैं ना कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कुछ लोगों की प्रकृति सात्विक, कुछ के राजसिक, कुछ के तामसिक होती है, बाय बर्थ होते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी जी देखेगा कुछ बच्चे गुस्से वाले होते, कुछ शांत होते। तो ये बाय बर्थ मनुष्य में ये गुस्सा स्वभाव से होता है और स्वाभाविक गुस्से को दूर करना काफी मुश्किल काम है। स्वभावो दुरति क्रम ऐसे बोला है।
तो ये मनुष्य की प्रकृति होती है और मनुष्य में ये विकार सहज रूप में होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य में ये होता है। ये कोई उसको बनाने के लिए कोई खास प्रयास करने की आवश्यकता नहीं कि मुझ में क्रोध आ जाए, मुझ में ये आ जाए, ऐसा नहीं है, ये सहजता से मनुष्य में होते हैं। पर हाँ, उसको संयम करने के उपाय जरूर देखे जा सकते हैं। जी जैसे क्रोध जो भी है स्वभाव से भी हो, पर यदि अन्न को कंट्रोल करे, आहार को संयमित करे, आहार सात्विक खाए, तो राजसिक गुण को कम करके सात्विकता को बढ़ाया जा सकता है, क्रोध को कम किया जा सकता है। जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा जो मन बोला है, तो सात्विक अन्न जी खाने से राजसिक गुण कम होके वो दूर हो सकता है। पर बहुत इसमें जब स्वभाव ही क्रोधी हो जाए तो उसको सचमुच में संयम करना काफी कठिन काम है। पर बहुत अभ्यास बहुत तो कौनते हैं वैराग्य न शीघ्रियते, परंतु मनुष्य साधना करे, अभ्यास करे, तो वो कम हो सकता है। और दूसरा कम होने का तरीका उसका, मनुष्य उसको रियलाइज करे अपने जीवन में कि गुस्से के कितने बुरे परिणाम है, तो उसको थोड़ा कम करने का, कम हो सकता है। वो वैराग्य से, जी ज्ञान से भी क्रोध कम होता है। तो ये उसका नेचर है, उस क्रोध का। इसे दो होते हैं, एक क्रोध होता है, एक मन्यु होता है। क्रोध में मनुष्य विवेक को खो देता है और हिंसक हो जाता है, हाँ और गलत सलत काम पे भी वो क्रोध इन्हें गुस्सा करके संयम छोड़ देता है। जी परंतु जो मन्यु होता है वो भी गुस्से के जैसा होता है, पर उसमें हिंसा नहीं होती, उसमें उस तरह की क्रूर भावना नहीं होती, बल्कि किसी के भलाई के कल्याण के लिए हम किसी को सख्ती कर देते हैं। जैसे माँ बाप ऐसे कहते हैं तुझे जुकाम हो गया है, बर्फ नहीं खाना है, नहीं दूंगी बर्फ, ये तुझे गुस्सा बुखार आ नहीं गया है है, कि तुझे ये मेडिसिन खानी पड़ेगी तुझे, तो गुस्सा तो कर ही रही है, बट उस गुस्सा, ये गुस्सा नहीं है, इसको मन्यु हिंसा नहीं। मन्यु कहते हैं। साधु संत लोग जो है, कभी कभी उनके मुंह से कोई अपशब्द निकलता है, कोई गुस्से वाला शब्द निकलता है, तो वो क्रोध नहीं होता है, वो करुणा के कारण अंदर से वो आता है, ताकि इन लोगों को दुखों से बचाने के लिए। जी लाइक टीचर्स या हाँ, पेरेंट्स। टीचर, पेरेंट, साधु और संत होते हैं ना, तो साधु संतों की गालियों को भी गाली नहीं समझने का है, उनके क्रोध को भी क्रोध नहीं समझना है, वो करुणा के कारण आया हुआ मन्यु है, उनके बातों को ध्यान से सुन के उसका बुरा नहीं मानने का होता है। पर कई बार लोग उसको बुरा मानते हैं, जैसे कि जैसे कई बार टीचर ने कुछ कहा तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, भाई जी तुम्हारी भलाई के लिए उन्होंने तुमको पनिशमेंट दे दिया, गुस्सा किया, तो वो गुस्सा नहीं है, वो तात्कालिक आपके कल्याण के लिए किया होता है। तो इसलिए मन्यु अच्छा होता है और मन्यु कर देना चाहिए। जी और गुस्सा भी जो है आता तो है सभी को, पर आना स्वाभाविक है, पर करना क्या नहीं करना हमारे हाथ में है। ऐसे नहीं कि जैसे गुस्सा आ गया मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हम ऐसा जी कहते हैं अजय आ गया हमने कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। तुम सोच के करते हो कि करूं क्या नहीं करूं। जैसे जी कोई बात होती है ऑफिस में, अपना बॉस कोई गलत बोलता है या कोई गलत काम करता है, हमारे ऊपर कोई जुलुम कर देता है, तो हम फिर भी मालूम है कि ये गलत काम कह रहा है, और गुस्सा भी बहुत आ रहा है, पर गुस्सा करते नहीं, क्योंकि मालूम है बॉस से पंगा लेंगे तो जॉब खतरे में, तो जॉब मुश्किल हो खतरे में जाएगा। पड़ती है। तो इसलिए बॉस से गुस्सा नहीं करेंगे, चुपचाप शांति से सुन लेगा, और घर जाके ही फिर वाइफ है, बच्चे हैं जो दुर्बल है, अपने पे डिपेंडेंट है, उनके ऊपर खुल के गुस्सा करता है, क्योंकि उसको वो डर नहीं है। तो बिल्कुल, कहते हैं हाँ, ना किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देता है इंसान। निकाल देता है, तो वो क्योंकि यहाँ निकाल सकते हो, अपने बच्चों पे, माँ बाप पे, पत्नी पे, पति पे गुस्सा निकाल सकते हो, तो गुस्सा कर देते हैं लोग, पर बॉस के ऊपर नहीं करते। या कोई बिल्कुल, गुंडा आदमी आ गया और तुमको कोई धक्का मार, अथॉरिटी पे है तो। हाँ तो मालूम है इस गुंडे से क्रोध करेंगे, ये मारेगा ऐसा, तो हमारी हड्डी टूट जाएगी, तो जी भगवान के ऊपर हम कभी गुस्सा नहीं करते, कमजोर के ऊपर कर देते हैं जी ना। तो ये थोड़ा उसका नेचर मैं बता रहा हूँ, क्रोध का भी थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि क्रोध कितना भयंकर है, उसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं ना, उसके साथ कोई बैठता नहीं, लोग बिल्कुल उससे कन्नी काट लेते हैं, अवॉइड करना। अवॉइड करते हैं उसको, उसके सामने नहीं जाते, आदमी अकेला पड़ता है, और वो अकेला आदमी डिप्रेशन में। और ये नहीं कि जैसे जानबूझ के करता है, उससे हो जाता है और लोग उसको अवॉइड करते हैं, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ये मनुष्य को डिप्रेशन में डालने वाला काम है, क्रोध को करना खुद को डिप्रेशन में डालने का।
और बाद में पश्चाताप भी उसको बहुत होता है, क्या जरूरत जी थी, क्या क्या बिना गुस्से के करता तो बड़ा अच्छा था, सब समझ में आता है पर कर देता है, पश्चाताप उसको खुद भी होता है, जिस पर किया वो भी दुखी हो जाता है और शत्रु शत्रु निर्माण कर लेता है अपने सारे के सारे, बिल्कुल और बिल्कुल, वो खुद भी दुखी होता है और उनको भी दुखी कर और देता है, दूसरों को भी दुखी दुखी करता करता है। गुस्सा किसी को अच्छा नहीं लगता दुनिया में, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अच्छा है कि उसको अवॉइड करने का प्रयत्न करें। है। या कुछ लोग होते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, उनके लिए कह देते हैं उनके नाक पे गुस्सा बैठा हुआ है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं काम होते हैं, किसी ने कुछ कह भी दिया तो चुप हो गए, ओके डजंट मैटर, उसकी नेचर है, ऐसे करके हम अवॉइड कर देते हैं। उसको पर एक्सेप्ट करो, ऐसे उसको भी क्या करना चाहिए कि सामने वाले में गुस्सा है तो उसको एक्सेप्ट करो, भाई इसमें कमजोरी है, इसकी एक दुर्बलता है, उसको इश्यू न करो उसको। ऐसे ही कई लोग मैंने देखा, माँ बाप किसी माँ बाप में गुस्सा होता है और बच्चे उसको निगेटिव ले लेते। मैं कहता हूँ नहीं, माँ बाप का गुस्सा जो है बुरा नहीं होता है, वो आपके कल्याण के लिए करते हैं, तो उसको इग्नोर करो, उनके काम की बात ले लो, एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, हमारे माँ में पिता में गुरु में थोड़ा गुस्सा है, कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करना सबसे अच्छा है, तो सामने वाले को भी गुस्सा कम दे देंगे, अपर भी गुस्सा कम हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ ये भी देखा मैंने कि क्रोध से मनुष्य का रक्त इतना विषाक्त हो जाता है कि सुबह यदि कोई 10 मिनट 15 मिनट यदि कोई गुस्सा कर दे तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और बिल्कुल दिन भर वो इतना टायर्ड फील करेगा कि वो जी ऐसा जी लगा कि सभी एनर्जी निकल गई उसकी, बिल्कुल, उसकी एनर्जी जाती है। होती है बुद्धि की भी शरीर की भी, और दिन भर जो है डिप्रेस रहता है वो, और ऊपर बिल्कुल से कई लोगों को जिनको बीपी होता है वो उनको गुस्सा पहले ही आता है, और गुस्सा करने से उनका इतना ब्लड शूट अप हो जाता है कि कई बार लोग मर जाते हैं उसमें, ब्लड प्रेशर बढ़ने या के, हेमरेज हो जाता है, या हेमरेज बिल्कुल हो गए बिल्कुल कई लोगों के, एकदम गिर जाते हैं, ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं वो बहुत, और गुस्से से कोई काम ठीक नहीं होता, सारे काम बिगड़ जाते हैं, होने वाला बिल्कुल काम भी बिगड़ जाता है, और गुस्सा नहीं जी करो शांति से काम लो तो बिगड़ा हुआ काम भी ठीक हो जाता है। जी इसलिए गुस्सा जो है, यहां तक कि घर में झगड़े कितने हो जाते हैं, बड़े बड़े देशों में युद्ध हो जाते हैं, कोई एंग्री नेता हो जाए तो छोटे छोटे बातों पे झगड़ा करने को तैयार ही होता है, मिलिट्री भेज रहा हूँ, बॉम्ब फेंक रहा हूँ, कभी फेंक जी देता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, गुस्से में तो कितने लोग कोर्ट कचहरी में चले जाते जस्ट बिकॉज जी ऑफ बिल्कुल एंगर है, कभी ईगो, एंगर, छोटी छोटी बातों के लिए जो है क्रोध में कोर्ट में चले जाते हैं, आपको पता है कितना नुकसान हो जाता है उसके सारे के सारे। जी। तो इस गुस्से को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? जैसे घर में है, पति पत्नी है, बहन भाई हैं, उनके आपस में गुस्से में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो उसे किस तरह से मैनेज किया जाए? देखिएगा पहले तो एक्सेप्ट करके अवॉइड करो, जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब पहले पति ने झगड़ा किया तो पत्नी को चाहिए कि बोलो नहीं, चुपचाप सुनो, मालूम है आप ये गुस्से में चल रहा है, बात कुछ नहीं है, ये इनका स्वभाव गुस्से का है, बोल रहे, इग्नोर करके अपने काम में लग जाओ। ऐसे कहते कि शादी हुई थी किसी बेटी की, तो माँ ने कहा था जब कभी गुस्सा आ जाए या किसी को गुस्सा आ जाए, तुझे आ जाए, तेरे पति को आ जाए, तेरे सास को आ जाए, तो तुझे पता चल रहा है कि अब आ गया आने वाला है, तो मुंह में चावल पकड़ के काम करते रहने का, तूने कहा काम ओके तो मुंह में चावल पकड़ने का क्या कारण है, बोले ये रखेगी तो बोल नहीं पाएगी, उनका गुस्सा उतर जाए तो थूक देना बाहर या चबा के खा लेना, गुस्से के समय में नहीं बोलना सबसे अच्छा तरीका है, और कोई गुस्सा कर ही रहा है तो उसको सिंपत्ति दिखा दे, ओके कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गए, हम आगे के लिए ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे शांति से पेश आ जाओ उसके साथ में, क्योंकि उसको तो गुस्सा आ ही गया है, एक साथ दोनों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पति को भी गुस्सा, पत्नी को भी गुस्सा, पति को भी गुस्सा आ गया तो आपको पता है कि फिर रोके कौन उसको, फिर वो आग में तेल डाला तो पेट्रोल डाला तो और बढ़ गए और बढ़ गए बिल्कुल आग बढ़ जाती है। फिर वो रुकने वाली नहीं है वो, इसलिए हमें बहुत ध्यान से शांति से सुन के उनको सहानुभूति प्रकट कर लेना चाहिए। एक ने कहा हुआ है कभी भी गुस्सा आ जाए तो एक बोल देना है, थिंक ट्वाइस, करो क्या नहीं करो, करो क्या नहीं करो, और थोड़ा सोच के देखो कि तो पता चलेगा कि गुस्सा करने का क्या कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो थिंक ट्वाइस। एक ने यह कहा हुआ है किसी को किसी का गुस्सा आ गया है तो क्या करो, एक पत्र लिखो गुस्से वाला,
जो जो आपको मन में आता है लिखने का, गाली देने का मन करता है, जो कुछ बोलना है बोलो, लिख दो, और शाम अच्छा को उसी उसको हिसाब लिखना, उसको भेजना नहीं है, उसको शाम को लेके सो जाओ, ये सोच के कि हम सुबह पोस्ट करेंगे और सुबह उठ के उसको फाड़ दो। बाय द टाइम हाँ आपका निकल गया होगा, जी आपका गुस्सा निकल गया और आपने भेजा नहीं तो दुष्परिणाम नहीं हुआ, उसको फाड़ दो, बेटर है, निकल जाएगा आपका। और दूसरा ये होता है कि जब गुस्सा जिसको है ना, उसको पहले ही कहना चाहिए, देखो भाई मुझ में गुस्सा है, तुमको पता ही है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, कभी कभी मैं बकबक कर देता हूँ, पर माइंड करने की जरूरत नहीं, प्लीज मुझे एक्सक्यूज करो, मुझे माफ करो और इग्नोर करो, बेयर विथ मी, फर्क पड़ता है, माफी मांगो। नॉर्मली फ्रेंड्स में ऐसे हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में गुस्सा आ जाता है, कोई आम सी पॉलिटिकल बात ही हो रही होती है, न्यूज की कोई बात हो, तो दो फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो दोनों के विचार अगर डिफरेंट है तो वहीं पर गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, तो तो वहां ऐसा भी देखा ऐसा भी या होता है, हमको ये चाहिए कि भाई सब ये सोच रहे हैं कि दोनों को भी अपने मत मत रखने का अधिकार है, तुम इम्पोज अधिकार है कर रहे हो, इम्पोज नहीं जी। करना चाहिए, पर इम्पोज करते हैं तो दूसरों के विचारों के प्रति सहनशीलता, क्षमा भाव रखना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और उससे सहानुभूति से बात करो कि आपके विचार से आपकी बात सही है, परंतु मेरा अनुभव अलग है, पर कोई बात नहीं, वो आपका विचार है, वो मेरा विचार। और गुस्सा आने के बाद दूसरी बात यह है कि शाउट नहीं करो, कुछ बात कहनी भी हो तो जान बूझ जी के शांति के साथ सौम्य आवाज में कहने का प्रयास करो, ऊंची आवाज में कहने का प्रयास करोगे तो एकदम काम खराब हो जाएगा। पहले तो अवसर ही नहीं दे दो, आपको लग रहा है गुस्सा आ रहा है तो वहां से हट जाओ इधर उधर, और पहले ही कह दो कि ताकि उसको गुस्सा करना ही नहीं पड़े, उस सिचुएशन को जी टालो, ऐसे लोगों को टालो जिनमें गुस्सा होता है, क्योंकि गुस्सा होगा तो परिणाम बुरा हो जाएगा। तो जी हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा हो तो चुपचाप निकल जाओ चुप तक निकल बाहर जाए, देख कहना आई एम बिजी, आई एम कमिंग, समझ गए ना, तो वो टाइम को, जी सिचुएशन को, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना चाहिए, नहीं तो काम बहुत गड़बड़ होता है। तो इसलिए देयर इज वन ऑफ द वेज, कई बार ऐसा करते बिल्कुल हैं जो गुस्से वाले व्यक्ति के साथ में, फॉर दैट टाइम पीरियड एग्री टू डिसएग्री, कुछ नहीं बोलो, हाँ ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपको मालूम है कि सब गलत कह रहा है, आज एग्री करो, कल बोलो भैया तुमने जो बोला था वो सब गलत है, देख लीजिएगा, एग्री डिसएग्री करके कल उसको दिखा दो कि यू आर रॉन्ग यस्टरडे, जी तो भी वो एक ये होता है। और क्षमा मांगो, इग्नोर, क्षमा मांगो तो लोग क्षमा कर देते हैं, और पहले ही बता दो कि जी भैया गुस्सा किया तो मुझे क्षमा कर दो, इग्नोर करो, आई डोंट मीन इट, इट हैपेंस, तो वो भी जी एक उसका तरीका है। दूसरा ये जी होता है राणा कि जी एक बात और मेरे दिमाग में ऐसी आई है कि आजकल यंगस्टर्स में जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस आपस में फ्रेंड्स भी हो या हस्बैंड वाइफ भी हो, कोई किसी को मतलब किसी की बात टॉलरेट नहीं करता है, और तभी हम देखते हैं कि जो डिवोर्स रेट है वो भी इतना ज्यादा बढ़ गया है। इट्स जस्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स, एंगर, एंगर को मैनेज नहीं किया और बात कहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है। सो इट्स बिल्कुल बेटर कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, जैसा कि ताना जी ने कहा है कि उस वक्त घर से बाहर निकल जाओ, या उस वक्त चुप हो जाओ, या उस वक्त बैठ के कुछ लिखना शुरू कर दे एंड बाद में दूसरे दिन उसे फाड़ दे ताकि आपका गुस्सा निकल गया, फट गया मैं ये भी कहना जी चाहता हूं उनको कि जब ऐसे लोगों को गुस्सा आता है, ऐसे कठिन समय से जा रहे हैं ना, मेडिटेशन करो, कोई पूजा प्रार्थना करो, या कोई अपने हाथ में माला लेकर के जाप करके बैठो, जी से क्या होता है कि आपके मन में शांति आती है, और एक मोमेंट वो एंगर का चला जाएगा तो 12 वर्ष निकल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल ये अपने अपने विचारों पर, अपने मन पर संयम की बात है। और उसको एक ये भी है, मोस्टली देखिए काम येष क्रोध येष, ये जो कहा हुआ है कि कामवासना से मनुष्य में क्रोध आता है, जी कामवासना की पूर्ति नहीं हुई क्रोध आता है, या ज्यादा इच्छाएं मनुष्य में, डिजायर्स बहुत हो तो क्रोध आता है। तो गुस्सा मेडिटेशन करो, काम वासना पे संयम करो, अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करो, लोगों से अपेक्षा कम करो, क्योंकि जेलसी बिल्कुल गुस्से का चांस कम आता है। आजकल लोगों में क्या है, स्वार्थी हो गए, और शादी के बाद तो हस्बैंड से बहुत अपेक्षाएं करते हैं, वाइफ से बहुत अपेक्षाएं करते हैं, एक्सपेक्टेशन टू मच जी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पूरे नहीं होते तो फिर गुस्सा आएगा, फिर वो डिवोर्स गुस्सा हो आता जाएगा उसमें, तो इसलिए अपेक्षा जी कम करो। ओवरऑल इंद्रिय जय का होना बहुत आवश्यक है, उस नियम संयम करके अपने इंद्रियों पे विजय होना बहुत जरूरी है।
उससे भी जो है गुस्सा कम होता है, और थोड़ा अहंकार को भी कंट्रोल करे तो गुस्से के चांसेस कम हो जाते हैं। इफ यू आर वेरी सबसे, प्राउड पर्सन, हाँ, या सबसे रौब जमाने वाली जो बातें होती है ना, मैं ही जानता हूँ, मुझे मैं ही हूँ मैं पता हूँ मैं हूँ, है। और दूसरे को लेकर के आर्गुमेंट करते करते फिर गुस्सा गुस्सा करते करते झगड़ा, इससे बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस के साथ में थोड़ा सा धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होती है, और थोड़ा बाकी के लोग भी थोड़ा सपोर्ट करके क्रोध पे संयम कर सकते हैं, और नहीं तो आपने देखा कि कितने उसके परिणाम कितने बुरे हैं। मैं तो गुस्सा इसलिए नहीं करता, मुझे डर लगता है गुस्सा करूंगा तो जो हो रहा है थोड़ा वो भी काम खराब हो जाएगा। तो मुझे भी बहुत कम गुस्सा आता है, बहुत कम। कभी हुआ किसी पे गुस्सा आ गया तो मैं भी चुप हो जाती हूँ, आई डोंट टॉक। मैं कुछ दिन के लिए बोलना बंद कर देती हूँ इस इंसान से, पर कोशिश करती हूँ कि आर्ग्यू नहीं करती। आर्ग्यू करने से फिर गुस्सा और भी ज्यादा आता और आ जाता है। तो मैं भी है। बिल्कुल आपकी तरह, मुझमें भी गुस्सा बहुत ही कम, शांत। बहुत ही कम है, और आ ही गया तो मैं उसको पी जाता हूं, और ये सोच जी के कि भाई इसमें तो गुस्सा है, अब इसके 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 साथ क्या बात करना है, आर्गुमेंट करना है, तुम आगे निकल जाओ और रास्ता बदल करके मैं अपने काम कर लेता हूं। अक्सर तो लोग मुझे कहते हैं तुझे गुस्सा नहीं आता, मैं कहती नहीं, मुझे नहीं आता, गुस्सा नहीं आता है। क्या है उसको, उसमें किसी चीज की कमी है तभी वो शाउट करे। जो भी इंसान है उनमें कुछ कमी है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए शाउट करना शुरू कर देते हैं। दो दे आर रॉन्ग तो आप चुप रहो, तो अपने आप और बात क्योंकि खत्म क्योंकि होती हमारे है। में संयम है, हमारे में कंट्रोल है, तो हम कंट्रोल कर लेंगे, उसमें हमारे भी फायदा है, वो भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। फायदे बिल्कुल। को देख करके, बेनिफिट को देख करके, एक सफलता के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, अपने मन के शांति के लिए, मैं गुस्से से बहुत डरता हूँ, बहुत बहुत बचता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है गुस्से बिल्कुल, का। हाँ, वैसे भी ईश्वर के दया से खान पान रहन सहन, ईश्वर के दया से सब ठीक। आध्यात्मिक विचार वगैरह जो है, मुझे बड़ा अच्छा क्षेत्र मिला हुआ है। उसका परिणाम कि मैं लोगों का एक्सेप्ट करता हूँ, करुणा से भी उसको कम करता हूँ, लोगों के लिए ब्लेसिंग की भावना होती है, तो उससे भी मैं सहन शक्ति ज्यादा आ जाती है, और मैंने एक्सेप्ट किया है कि कोई परफेक्ट नहीं है, तो व्हाई डू एक्सपेक्ट परफेक्शन। ये परफेक्ट बिल्कुल, लोग बड़े गुस्से वाले होते बस ये याद रखें हैं। सभी कि गुस्सा करने से कितने मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं। बीपी हाई होता है, बीपी हाई होने से स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी, यू नो, आपके हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स बेटर कि अपने गुस्से पर काबू रखें। रखे जी ताना जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक कि सब कुछ हमें बता दिया आपने। सो नेक्स्ट प्रोग्राम में और किसी विषय पर हम जरूर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती वक्त हमें देते हैं। नहीं, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ मैं भी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और हमेशा गुस्से से बच कर रहिए। ना किसी पर गुस्सा कीजिए और ना किसी को गुस्सा करने दीजिए। अगर किसी के साथ मतभेद हो भी जाता है तो उस वक्त चुप हो जाए। अपने को भी आप सुखी रखेंगे और दूसरे को। क्षमा कर दो, नमस्कार, नमस्कार। क्षमा कर, धन्यवाद, थैंक यू।